इवनिंग। कैसे चल रहा है भाई? मजा आ रहा है मार्केट? मजा आ रहा हाँ सर, है? मजा आ रहा है क्या? बताओ मुझे, अगर मजा आ रहा है तो उसका मतलब है आपको समझ में आ गया सब कुछ। सब कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन तो रहता है क्योंकि अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ हो जाएगा, कंफ्यूजन तो हूं मैं इधर, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? यस सर, हो रहा है। एक गिफ्ट फॉर यू। क्या गिफ्ट है भाई? प्रेजेंटेशन में कमार कर रहे थे, पता है मुझे। प्राइस पोजीशन उसका बात कर रहे थे, करेक्ट? सर इसके अलावा कोई चीज नहीं है। ओके, मैं भयंकर मूड में हूं आज, आपको जो भी डाउट्स है ना क्लियर कर देता हूँ। प्राइस पोजीशन, हाँ, अगर एंट्री मेथड का बात करें तो अच्छा हो जाएगा, बहुत बहुत इसमें हूं मैं। हाँ तो बताओ मुझे, आप बात करना है, किसी में भी सर प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताना। सर L&T ट्रेड किया था आज, उसमें टारगेट नहीं आया, स्टॉप लॉस बच गया, लेकिन टारगेट नहीं मिला पूरा। फाइन, नो प्रॉब्लम, टारगेट बच गया तो स्टॉप लॉस बचा ना, इज दैट अ। अब जो स्टॉप स्टॉप लॉस बचा है वो यस सर क्या जेन्युइन था? क्या कल भी बच पाओगे? वो इम्पोर्टेंट है, आज बच गया यस तो क्या भी हो सर सकता है ना। मुझे बताओ इसमें क्या था। इसमें सर यहाँ पे हाईएस्ट पार्टिसिपेशन आया था इस ग्रीन कैंडल पे। फाइन, ओके, उसके बाद इसने अलाइनमेंट करा था इन दो रेड कैंडल्स में, ये नेक्स्ट वाली जो है सर, इसमें इससे पहले वाली दो में करा था, कल इसके नीचे तो क्लोजिंग दी थी सर, इसमें किया ये था ना वाला मैंने, जो, हाँ इसमें किया था, ठीक है इसमें किया था कल इसके नीचे इसके क्लोजिंग था, बाद। करेक्ट? हाँ सर अगर अलाइनमेंट सही है, इसने जो एक्चुअली जब हम देख रहे थे तो बुलिश अलग, बुलिश लोग जब आए थे, पोजीशन बनाए थे बुलिश साइड, करेक्ट? यस सर दे वांटेड टू टेक दिस स्टॉक टू 1 लाख लेवल, अभी 1700 पे है। ओके, ओके जब ये दिन हुआ मुझे समझ में आ गया अलाइनमेंट डाउन साइड हो रहा है। यस सर अगर डाउन साइड हो रहा है तो क्या होना चाहिए? ये अपर साइड में सेलर आना चाहिए, इधर बायस आना चाहिए। कल इसको क्लोज दिया था नीचे, करेक्ट? यस सर कल नीचे क्लोज दिया था। जब ये बना पोजीशन भी बना था, देखो वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा है, यस सर डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ गया था। आज का हाइपो, मतलब अगर हाइपो सेल होता है इसमें, हाइपो हाइपो तो सेल ही था सर, आज मार्केट में भी वो सेल सही ही आया था, था। ट्रेड सही था। ओके, यस सर बाद में इसमें लेकिन एक चीज दे, मैंने सर टारगेट, यस सर इसमें एक चीज भाई, अगर देखो इसमें मूवमेंट आता है इसके नीचे, ओके, नहीं, मैं इसके लो का टारगेट लेके चल रहा था सर, मेरे को वहां तक होगा का था नहीं। होगा, आज नहीं मिला ना भाई, कल मिल जाएगा। उसमें क्या है, ओके एचसीएल सर, टेक में नहीं मिला टारगेट आज। SCL टैग तो मिस हो गया, मेरी वॉश लिस्ट में भी था, मैं इसके चक्कर में देखना ही और नहीं पकड़ना आपका चाहिए काम है, ओके, पकड़ना है यस वो। सर। चलो ये अगर मान लो कल भी हो जाएगा, इसके नीचे एक भयंकर मूवमेंट है, ओके, अगर हाइपो सेल है तो ओके आपको देखना पड़ेगा, ओके प्राइस सर को देखना पड़ेगा। पोजीशन तो समझ में आ रहा है इसको सर देख के, इसमें ना मुझे थोड़ी सी एंट्री लेने में दिक्कत हुई, एक बार जो सर एक बार इसे 5 मिनट तक खोले। ठीक एंट्री का बात नहीं किया ना, आज करेंगे क्या सेकंड हाफ में? है सर, ठीक है, मतलब आज करें नहीं कल मैं करें? एंट्री मेथड नहीं पूछ रहा, मैं हाँ थोड़ी वैसे कंफ्यूजन आता सर मुझे। देखो, मैं भयंकर मूड में हूँ, एंट्री मेथड है ना अच्छे तरह से समझ सकता हूँ मैं आज, चाहिए तो सेकंड हाफ में कर सकते हैं, नहीं तो कल करेंगे, नो प्रॉब्लम। सर एक बार 5 मिनट खोल दो, मेरे को कुछ और ओके, पूछना है सर। उसके पहले भाई देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें जो भी मूवमेंट आता है ना, इसके नीचे बहुत भयंकर मूवमेंट आ सकता है, ओके, क्योंकि बायस आए ओके थे इधर, सर करेक्ट? यस मतलब सर जो यस भी सर पोजीशन बनता है इसमें, हाँ, अलाइनमेंट को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि नीचे जाना है, तो पहला टारगेट ये वाला होता है, करेक्ट? कल मिलता है नहीं मिलता है? यस हाँ, सर ओके, चलो, अगर ये समझ में आ क्या गया भाई, इसमें कह एक रहे चीज याद रखना, आपको जो भी करना है ना भाई, ये जो कैंडल है ना सर। भाई, ये जो कैंडल है, यस सर
इसमें जो इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल होता है ना भाई सर, वो ऊपर था, वो मैंने देख लिया था। एक मिनट, अगर ऐसा है तो कल गिरेगा ना। कौन सा दिन था वो? दिस डे राइट, ये समझ में आ रहा है ये वाला? यस सर, यस सर। एक्चुअली जब तक प्राइस इसके नीचे रहता है ना, इसका मतलब ये वीक है, इसको एटलीस्ट इसको मिनिमम टच करेगा टारगेट, मतलब ये सही था आपका। यस सर, योर हाइपो इज करेक्ट। हां यस सर, टारगेट नहीं मिले तो मिलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके सर, मेरा ऐसा क्वेश्चन ये था जो इसका मतलब इसे जो कल वाला दिन था, इससे पहले वाले दिन का जो इम्पोर्टेंट कैंडल था वो मार्क किया हुआ था मैंने। उसके नीचे वीक ओपनिंग हुई, वीक ओपनिंग होने के बाद ये पहली कैंडल ने इसे हिट किया, नीचे आया। मेरा एक्सपेक्टेशन था ये लोअर लो बनाया, इसने नहीं बनाया, ये फिर ऊपर गया, उसके बाद टच किया, फिर नीचे आया। यहाँ पे मेरे को वोलेटिलिटी मेथड से रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया, ट्रेंड कंफर्मेशन हो गई। आपका आवाज कट रहा है भाई। ओके ओके, होल्ड ऑन, योर ये चल रहा है, मतलब आवाज कट हो रहा है। मैं बताता हूँ इसमें क्या है। एंट्री मेथड इसमें बहुत आसान है, वो मैं जब मैं बताऊंगा ना आपको बहुत इजी हो जाएगा। ओके okay, वो छोड़ दो, okay. वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बाद में। सेकंड चीज है भाई, इधर एक साइंस को लगाना, साइंस। हाँ, इसका मतलब है लॉजिक। हाँ, कुछ मैजिक नहीं है, सब में ऐसे ही चलता है भाई। एक दिन पे भाई हुआ था, हम इसी को पोजीशन बना रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि भाई पोजीशन है, करेक्ट? यस सर, नो, हमने ये दिन पे अलाइनमेंट हुआ था, ये दिन पे अलाइनमेंट कंफर्म किया था, करेक्ट? मतलब उसके नीचे क्लोज दिया था, करेक्ट? इसका मतलब है इधर सेलर्स है, यस सर, मानते हो? यस सर, इतना क्लियर आ गया सबको? अलाइनमेंट मान रहे हैं ना भाई इसको, ये दोनों को, कैंडल को, इसने कंफर्म भी किया था। यस सर, नो, उसके हिसाब से आज सिल्क के हाई पर में था ना आज आप? मैजिक देखना अभी, लोग सेल किए थे ना भाई इधर, सब में ऐसा ही होता है, सब में ऐसा ही होता है। ओके, सिर्फ नाम बदलता है स्टॉक का। ओके, सेल किए थे ना भाई लोग? यस सर, सेल किए थे, करेक्ट? इसका मतलब है जब ऊपर से नीचे आ रहा था, कोई ना कोई सेलर जोन मिलना चाहिए मुझे, क्या मिला इधर? और कोई है? सॉरी, इधर है, सॉरी, आई एम सॉरी, फाइन, आपका एंट्री इधर से, क्लियर है ना सर? सर, सेलर जोन मतलब? हाँ सर, आपको ट्रेंडिंग जोन पता नहीं है? नहीं सर, आपने बताया। तो ये क्या बात कर रहे हो भाई, पाप होता है वो। आपने बोला था कि ट्रेंडिंग जोन वो मैं यूज नहीं करता, तो फिर नहीं, एंट्री में नहीं भाई, एंट्री मेथड में नहीं करता, एंट्री मेथड में नहीं करता। ट्रेंडिंग जोन क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, यस सर, इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो रहा है क्या? यस सर, सेम कलर का कैंडल्स आना चाहिए, से भले ये हाई वॉलेटाइल है, लो वॉलेटाइल है, ट्रेंडिंग है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ट्रेंडिंग जोन है। इसका मतलब है इधर सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर्स, क्लियर है ना? ऐसे ही वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, मिनिमम 3 कैंडल्स होना चाहिए, मिनिमम 3, कितना भाई, कितना भाई? 3 कैंडल, 3 कैंडल, मिनिमम 3। ओके, इसके ऊपर कितना भी हो सकता है, वॉल्यूम राइज होना चाहिए। उसमें क्या होता है, अगर मान लो ऐसा बना, ये आपका बाइंग जोन है, क्लियर है ना? ये सेलिंग जोन है, ये बाइंग जोन है, क्लियर है ना भाई? ट्रेंडिंग जोन भी हम बोलते हैं, क्लियर? ठीक है, ये बताया हूँ भाई, ऐसे नहीं बता सकता हूँ मैं, बताया हूँ बताया सर, हाँ बताया, वीडियो देखना भाई आपका, जूनियर्स को नहीं बोला, नहीं भाई बताया हूँ,
नहीं नहीं okay, आपने स्किप कर दिया, इनिशिएट तो कर दिया लेकिन स्किप कर दिया. ओके ओके फाइन. इन दैट केस ये मतलब वही है, ये जो एंट्री का सीक्रेट है ना उसमें ये सारे आता है. होल्ड ऑन, स्टॉपलेस एलिमिनेशन में फिर भी ये तो बेसिक होना चाहिए ना भाई. कैंडलस्टिक्स को मैं पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में. चलो हाँ भाई, किसी का आवाज, आपका आवाज है ना, आप मोबाइल पर लॉग इन कर दो भाई, आपको लैपटॉप में या पीसी में सपोर्ट नहीं कर रहा है आपका इंटरनेट. कौन है? अब आई थिंक नाम भी भूल गया. चलो आशीष भाई है सर. हाँ आशीष, आप ये करना प्लीज, यू लॉग इन मोबाइल. ओके सर. ओके हाँ, लॉग इन मोबाइल. हाँ यू कैन आस्क द क्वेश्चन प्रॉपरली सर. ये समझ में आ गया ना भाई? यस सर. यस सर. आप पोजीशन को देखिए, हाइपो बनाया है. हाँ एक और है. Hey, please don't disturb class. Hey, सर आशीष जी के दो माइक्रोफोन ऑन है सर, एक्चुअली इसलिए वो इको हो रहा है. हाँ भाई, एक एक बंद करना भाई, म्यूट कर देना. दोनों का ऑन है. एक मैं ही म्यूट कर लेता हूँ. मैं सबको म्यूट कर दिया, अगर बात करना है तो ऑन कर लो. हाँ चलो, इसमें क्या है, ये एलिमेंट होता करेक्ट, मतलब बाइंग आए थे, पोजीशन बनाता. मैं मेरा ये क्लोज दिया था, मेरा समझ में आ रहा कि भाई ये सेलर्स आया है इधर, मेरा हाइपो सेल है, तो मुझे सेलिंग किधर से होना चाहिए वो भी पता है. यस सर, अलाइनमेंट कैंडल से. अलाइनमेंट कैंडल 5 मिनट से बता रहा हूं मैं. यस सर, ट्रेंडिंग जोन, ट्रेंडिंग जोन सर. जो लास्ट सेलर्स आए थे उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए प्राइस, क्लियर है ना? यस सर. मैं जो बताना था बता दिया आपको. अभी क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस. यस सर. भाई आपको तो पता है ना भाई, इधर पोजीशन बना था. यस सर. करेक्ट. यस सर. बाद में इधर अलाइनमेंट होता क्या ये दिन पे? यस सर, इधर ही हुआ था. यस सर. नो. यस सर. बाद में इसमें अलाइनमेंट कंफर्म भी हो गया, सब कुछ हो गया था, ये नीचे भी जाना था करेक्ट? यस सर. अगर मैं जो इसमें बाई जाना है ना भाई. यस सर. किसी ने बाई किया था इसको? मैंने किया था सर, मेरा स्टॉप लॉस हो गया था. हाँ, स्टॉप लॉस क्यों है, सीक्रेट्स पता नहीं है ना. अभी अभी देखो, अब ये देखो होगा उसका इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर खुला है. यस सर भाई वही करा था. ओके ट्रेंड का काम किया था लेकिन. ओके ये सेलिंग कैंडल था, मतलब आप यही सोच रहे कि भाई इसमें सेलिंग आया था, एलिमेंट हुआ है करेक्ट? यस सर. नो. यस सर. और इसका मतलब होता है मुझे क्या ढूंढना है भाई? ट्रेंडिंग जोन सर. ट्रेंडिंग जोन बात है भाई, वैसे लैंग्वेज चेंज करना. ओके, ट्रेंडिंग जोन ढूंढना नहीं है मुझे, लास्ट सेलर्स को ढूंढना है. क्लियर? ओके सर. लास्ट सेलर. भाई म्यूट करना प्लीज, आपका ये नहीं आ रहा है. व्हाट इज दैट? क्या आपको दिख रहा है जो लास्ट सेलर्स मुझे दिख रहा है कि भाई इधर? वही है ना सर? यस सर. यस सर. अब इसको बाई करना है ना भाई आज? अगर इसको बाई करना है ना भाई. यस सर. इसके ऊपर होना चाहिए प्राइस. क्लियर? यस सर. यस सर. मैं बोला आपको ढूंढना है अभी. हाँ कल जाके ट्रेंडिंग जोन ढूंढ के ट्रेड मत करो. समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट के साथ में चलेगा तो यूज कर सकते. फर्स्ट पोजीशन प्राइस पोजीशन को देख के मुझे जो करना है हाइपोथेसिस बना के उसमें जो होता है तो प्रैक्टिकली मुझे करना है. क्लियर है ना? यस सर. फाइन. क्या डाउट से पूछो? हाँ एक मिनट होल्ड ऑन.
अभी ये ट्रेंडिंग जोन का बात मत करो, हाँ ये इसका साइंस समझ में आना चाहिए भाई। देखो एक ग्रीन कैंडल है, मतलब वॉल्यूम, यस सर, ये वॉल्यूम क्यों ग्रीन है भाई बताओ मुझे। क्लोजिंग ऊपर होती है कैंडल की, लास्ट क्लोज से। इसका मतलब है देखो, इसका अगर मान लो इधर वॉल्यूम रेड ग्रीन है, करेक्ट, ग्रीन है ना सर? यस सर। क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये जो क्लोज प्राइस जो था उसका क्लोजिंग, प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसके ऊपर है। यस सर। ये देखो ये रेड है, क्यों है? इसका जो प्रीवियस कैंडल है उसका क्लोजिंग जो है उसके नीचे है इसका, ओके? यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है ना? अभी देखो मैं रेड में ही बता देता हूं, और एक ऐसा था, ओके, वॉल्यूम, हाँ सर, यस सर, इसमें भी बढ़ाया गया नेक्स्ट वॉल, नेक्स्ट में, इसका मतलब क्या है भाई? ज्यादा लोग आ गए ना, इससे ज्यादा, इससे भी ज्यादा आ गए इधर, यस सर, कंटिन्यूअसली इसमें सेलिंग हो रहा है, करेक्ट, यस सर, समझ में आ रहा है ना? अगर एक सेल हुआ है स्टॉक में, मुझे ढूंढना पड़ेगा लास्ट जो सेल किया था वो जोन को, क्लियर? ये फंडा समझ में आ गया आपको? आ गया सर, समझ में। अगर मान लो और एक भी आता है, नो टेक दैट आल्सो, लो इज दिस वन, हाई इज दिस वन, क्लियर? ठीक है सर। सर इसमें ये कई बार स्ट्रक्चर में कई बार बीच वाली कैंडल मतलब बड़ी बन जाती है, छोटी बन जाती है, तो उसको हाई मतलब, लो बस मतलब उस रेंज का हाई और लो, कई बार छोटी बड़ी कैंडल बन जाती है, इसे सीक्वेंस में भी बनती है, कुछ नहीं है, तो मुझे सीक्वेंस में बनना चाहिए, कंटिन्यूअस सेलर्स आना चाहिए, 5 मिनट्स में 3 और मोर कैंडल्स, मतलब 5 मिनट्स का कैंडल होना चाहिए, 15 मिनट्स में जो लोग आए थे करने के लिए, हां यस सर, 15 मिनट्स में 5 कैंडल्स होता है, 3 कैंडल्स होता है 5 मिनट्स का, ठीक है, चाहे वो 20 मिनट्स भी करे सेलिंग, 25 मिनट्स भी करे, 30 मिनट्स भी करे, मुझे लास्ट सेलिंग जोन चाहिए। वो क्या है पता है ना कुर्बानी? पता है था एक स्टोरी, कहानी बताया था ना स्टार्टिंग में? यस सर, यस सर, क्या स्टोरी है बताओ मुझे, पहलू वाली सर, बायर्स को मतलब अगर किसी को कोई माल खरीदना है तो सेलर चाहिए होते हैं और सेलर अवेलेबिलिटी होते हैं, तो वो अपने आप ही सेलिंग करके वहां पे वो क्रिएट करते हैं, मतलब बाइंग के लिए, ओके, और वो प्राइस को नीचे ले जाने के लिए करते हैं, फाइन, वो नीचे खरीदना होता है इसलिए वो प्राइस नीचे ले जाने के लिए। हां आप पता है, अगर मान लो जेन्युइन सेल हुआ है उसको भी, अगर बई हुआ है क्या होता है, इसके ऊपर खुल जाता है, जाएगा बाहर, यस सर, नहीं तो उसी को हिट करके उधर से सेलिंग हो जाएगा। ट्रेंडिंग जोन, ट्रेंडिंग जोन मत बताओ आगे, अभी आगे, हाँ सर, जैसे अभी एक खुला हुआ है सामने, एक वो बीच में ग्रीन कैंडल है पर वॉल्यूम इसका वो है रेड, किधर है भाई ये सामने, ये अभी, हाँ यहीं पे, दिस वन, वेयर इज इट, दिस वन, हाँ, मैं वही बताया क्यों बनता है, जंप कर गया, जंप कर गया, ये होल्ड ऑन बॉस, इफ इट इज ग्रीन व्हाई रेड कैंडल इज ग्रीन राइट, क्लोजिंग नीचे है इसकी, हाँ तो क्या होना चाहिए, क्या व्हाट इज इट, वॉल्यूम रेड होएगा, हाँ वॉल्यूम, तो सर हम इसे कंसीडर करेंगे, हम इसे, मैं तो इसको पूछ रहा हूं, इसमें क्लोजिंग किधर है, इसका क्लोजिंग किधर है, ओके मुझे समझ में नहीं आ रही, चार्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है, यू कैन नॉट कंसीडर, You cannot consider, okay? ये मतलब these are all unconventional brokers, हाँ? इनके साथ ये होता रहता है, हाँ एक चीज से ट्रेड नहीं करते है ना, आप बात करो मैं बताता हूँ। आप जब वो बचे रहता, खुश हो गए थे,
अब बताना भाई क्या था, मतलब आप ही बताना, मैं कुछ नहीं बताता हूँ। सर इसमें कल आई थी, पोजीशंस आई थी, सब कुछ आप ही बताना मुझे। ओके वेयर इज इट मैन, मैं देख रहा हूँ 5 मिनट्स का कैंडल है। ओके चलो, क्या है, कब आया था इसमें? कल पोजीशंस आई थी सर इसमें। इसमें आया था क्या? यस सर। आपको पता है ना क्या होना चाहिए? यस सर, ये हाई के ऊपर खुला था। हाँ बुलिश कैंडल बनाई थी, हाई के ऊपर खुला था। हाई के ऊपर खुला था? यस सर। हाई के ऊपर खुला था मतलब पहली कैंडल में उड़ गया, तोड़ दिया था। हाई के ऊपर खुला था? नहीं नहीं मतलब सर इसमें जो थी पहली कैंडल थी ना उसने ब्रेक कर दिया था इसका। मुझे एक चीज बताना अभी। हाँ जी सर। आपको पता है अगर इसमें लोग आए बाई करने के लिए, ओके यस सर, इधर कलेगा इधर से ऊपर जाएगा, करेक्ट? यस सर नो? यस सर। वही बात किए थे? यस सर नो? ओके अभी स्ट्रक्चर पैटर्न एक्शन आपको पता है? ये पता रेजिस्टेंस बन गई, बट रेजिस्टेंस पे कर लिया मैंने। होल्ड ऑन भाई, यू सी आज गलती हो गया, गलती हो गया, यू शुड नॉट कंटिन्यू टुमारो। ठीक है सर। क्या क्या था, व्हाट इज इट, ब्रेक इनसाइड ट्रेड है, ब्रेक आउट ट्रेड है? ब्रेक इनसाइड है सर। ब्रेक इनसाइड करेक्ट? यस सर। तो मैं किधर से करूं इसको ट्रेड, ऊपर से करूं? नहीं सर, इसके लो से या 5 मिनट के अंदर के इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता था, देखो हम क्या बोलते हैं, अगर पोजीशन बनाए उसके ऊपर खुलना चाहिए, इधर सेट करके ऊपर जाना चाहिए, करेक्ट? यस सर। क्या ये लेवल सपोर्ट बन जाएगा ब्रेक इनसाइड के लिए, अपर लेवल बन जाएगा ना सर? एक ना इसमें इसमें क्या कहते हैं एक्चुअली ना, मैं पहले लेने लगा था इसे, इसमें ना 5 मिनट 5 मिनट्स की कैंडल थी ना, उसने कल का वॉल्यूम सारा ब्रेक कर दिया था। हाँ। तो वही सर, हमने जब मेरी आपके से कल बात हो रही थी एचसीएल में, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्चुअली ये हो गया 5 मिनट, तो आपने कहा था कि ले सकते हैं। आई डोंट नो, मैं आए भाई, मुझे कभी भी लाइव मार्केट में कुछ नहीं पूछना, ओके प्लीज, मैं बात भी नहीं करता हूँ, मतलब मेरा स्टडी नहीं है तो मैं क्या बोलूं। कब बोला था मैंने आपको सर? जब हमारी कल बात हो रही थी। कल बात होता है? अरे भाई मैं पोजीशन का बात किया होगा, 5 मिनट्स में कभी नहीं बात ना करता हूँ मैं लाइव मार्केट में, कोई किसी कॉल करके क्या होगा वो का मुझे नहीं पूछना है, ओके? अगर मेरा स्टडी है तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं है। हाँ इसमें क्या बोला था मैंने सर, इसके जैसे वो 5 मिनट की कैंडल खोलोगे, 5 मिनट का चार्ट खोलोगे ना एक बार, ओके तो उसके पहले उसके, भाई उसके पहले आपको पता है ना, पता हो गया कि भाई ये ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना था, ये मेरी गलती थी। हाँ अगर करना है तो ये लेवल सपोर्ट हो सकता था, अगर ऊपर खुलना चाहिए ठीक है तब जब ये भी था जब वो होगा, मेरा दो कंडीशन क्लियर हो गए, जब ये बुलिश कैंडल था तो अगर ऊपर जाना है तो ऊपर खुला है तो ऊपर जा सकता है, फर्स्ट आर्टिफैक्ट। यस सर। सेकंड आर्टिफैक्ट ये है कि भाई ये सपोर्ट बन जाता है ब्रेक इनसाइड के लिए, नहीं तो इसका 5 मिनट्स का कैंडल को यूज करना पड़ेगा। यस सर नो? यस सर। ओके अभी बताओ क्या था, आई जस्ट मार्क द हाई। हाँ 5 मिनट्स में क्या होता भाई? ये गलती हो गई ना भाई, 5 मिनट्स से कुछ नहीं होता है। हाँ बताओ अभी सर, सबसे फर्स्ट कैंडल ने कल का सारा वॉल्यूम बीट कर दिया था, मतलब इसने बीट कर दिया, ओके तो क्या हुआ? तो सर इसके हाई पे ट्रेड लेना था हमें, इस पे हाई पे, वो बताओ मुझे, आप ही बता दो, हाई पे ट्रेड ले सकते हैं आप आज? नहीं सर वो तो चलो मेरी गलती मान गया कि रेजिस्टेंस की वजह से, कुछ भी भाई कुछ भी, अगर मान लो 5 मिनट्स को देख रहे हो, ओके यस सर, आज क्या करना है, हाई से ट्रेड ले सकते हैं आज? हाई से ले ट्रेड ले सकते हो क्या भाई? नहीं ले सकते, हाई से नहीं होता है ना भाई। नहीं सर मैंने चलो, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ट्रेंड बिल्कुल मेरे फेवर में है सब कुछ, तो क्या मैं इसके हाई से कर सकता हूँ कि या फिर मुझे स्ट्रक्चर पैटर्न एक्शन क्लियर है ना? यस सर। स्ट्रक्चर हाई रहता? यस सर। मुझे ट्रेड करना है ब्रेक इनसाइड? यस सर। हाँ आप बोल रहे कि भाई सब कुछ मतलब बुलिश है, सब कुछ है, मैं क्या बाई कर सकता हूँ, करेक्ट? यस सर।
अगर इतना बुलिश है क्यों इसके ऊपर नहीं खुलता था, ये क्यों नहीं खुलता था? खुल सकता था ना इसके ऊपर, खुल सकता है, इसको सपोर्ट बना के ऊपर जाता ना। हाँ जी, अभी जब ये होता है ना भाई, हाँ जी, जब ये होता है ना, अगर मान लो इसमें बुलिशनेस भी आ गया, इसके ऊपर क्लोजिंग भी आया ना, इधर आके इधर से एंट्री होगा क्योंकि यही है ना सपोर्ट। अगर बुलिश है तो इधर ऊपर जाने का शुरू कर देगा zigzag, ये सटाक से नीचे ब्रेक कर दिया, किधर जाएगा ऊपर। ये 5 मिनट्स में है, मैं एंट्री मेथड्स में जो भी है उसमें बताता हूँ, डोंट वरी नाउ। लेकिन ये समझ में आ गया ना भाई, हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करना है। आप इसको ट्रेड कर सकते थे, अगर इसके ऊपर खुलता था तो ठीक है। आपका क्वेश्चन में सबका आंसर है, आंसर है, ओके। हाँ, ये गलती हो गई ना भाई, हाँ जी, आपका कुछ नहीं जाने वाला है, यू विल नॉट बी इन लॉस, डोंट वरी, ओके। ये भी ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई सारे ट्रेड टिक हो जाए, कभी नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। YouTube में जो देखते हैं उनका होगा, और किसी का वारम वर्ष वेट कभी नहीं होगा, वो तो YouTube पे नहीं है ना। लाइव ट्रेड डालता है पे। समझ मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, वो दिमाग में जा रहा है आपको? ये सब समझ में। किसी का भी ट्रेड, सारे ट्रेड, हम तो ह्यूमन नहीं है ना भाई, आर्टिफिशियल AI बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, करेक्ट करेक्ट है सर ना, उसमें सारे फीड करके वो देख लेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना हमारा ब्रेन से, होता है नहीं होगा, नहीं नहीं होता सर। अगर मेरा होता होगा किससे भी नहीं होगा, ह्यूमन ह्यूमन होता है, करेक्ट। टाटा मोटर्स में सर वही हुआ था सर, एसएल हिट करके फिर टारगेट पे, हां टाटा मोटर्स में एंड आईसीआईसी बैंक में, आई विल टेल यू देयर इज नो ट्रेड टुडे, आई विल टेल यू व्हाई। ओके सर, ये चीज समझ में आ गया ना, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, आज कभी भी याद रखना भाई, हर एक ट्रेड सही नहीं होना चाहिए, मतलब वो मतलब ही नहीं है, सबका किसी का नहीं होता है। ट्रेडिंग इज अ सीरीज ऑफ ट्रेड्स, ओके। मैं फ्राइडे को मानता हूँ, फ्राइडे टू फ्राइडे, मेरा सैलरी फ्राइडे, फ्राइडे विड्रॉ करना है, उसका बीच में दो तीन स्टॉप लॉस हो गया, होने दो, गलती तो मेरा था ना भाई, साइंस तो पता है क्यों हुआ था, मुझे समझ में आ गया, नेक्स्ट तो नहीं करूंगा मैं। वो स्टॉप लॉस को कम करना हमारा काम है, हार्ड वर्क उधर होना चाहिए, किसी से इन्फ्लुएंस होके कि भाई वो ये कर रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहा है, इतना मिल रहा है, उतना मिल रहा है, हाँ उसका सच्चाई आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, ओके मिल जाएगा, क्लियर है ना, आपको प्रॉफिटेबल में रहने के लिए, ओके। हर एक ट्रेड सही नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। हमें आज एशियन बैंक में ट्रेड किया, कुछ नहीं मिला, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, फाइन, नो प्रॉब्लम, क्या कल करेंगे, समझ में आ रहा है ना। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, इफ यू प्रैक्टिस फॉर प्रॉपरली फॉर 6 मंथ्स, ना मैं जो बताया, आप यू नीड मैक्स टू मैक्स 15 ट्रेड्स टू मेक अ डबल, व्हाट एवर योर इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, उसको 100% करने में आपको मैक्स टू मैक्स 15 डेज, मैं 13 डेज में किया हूँ डबल, ओनली इन कैश, ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है उसमें, जो कैश मार्केट है, मैं जो बता, 13 डेज में मैं ओनली इन कैश मार्केट में डबल किया हूँ। Okay. समझ में आ रहा है ना, वो क्या होता है, मनी मैनेजमेंट विल लर्न टुमारो, नाउ डोंट वरी, ये अभी हम जो सीख रहे हैं, गलती समझ में आ रहा है ना। यस सर, समझ में। वीडियोस बार बार देखना, बार बार देखना, बार बार देखना, हाँ ये सारे मिल जाएगा आपको आंसर, हाँ फाइन। हाँ जी, हाँ क्या था भाई, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और व्हाट इज सर, टाइटन और एचयूएल देखेंगे? हाँ टाइटन, एचयूएल में क्या हो भाई, पहले वो गलती क्या है मुझे समझ में आ जाएगा। BMI लोअर था, सेक्टर हाई रहा था, स्टॉक हाई रहा था,
दैट इज फाइन, दैट इज योर हाइपो. 6 जुलाई को पोजीशन हुआ था. टेल मी द फंडामेंटल्स. ओके, टेक्निकल इज फाइन एंड फंडामेंटल्स में वो भी आता है, 3G भी आता है. तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये वाला करेक्ट. दिस वन राइट. ए हिंदुस्तान है ना. ए भाई बड़ा मूवमेंट आया था ना भाई, उसमें बड़ा बड़ा कैंडल्स दिख रहे थे मुझे. हाँ सर, वो एक्चुअली पोजीशन कैंडल का हाई और अलाइनमेंट कैंडल का हाई से रिजेक्ट हुआ था ना, तो मुझे लग, और फिर इंपॉर्टेंट आईएमपी उसको देखेंगे, उसको देखेंगे, उसको देखेंगे. फाइन, ये था करेक्ट. यस सर. बाद में मुझे समझ में आ गया कि भाई कौन सा दिन पे, 12 जुलाई को अलाइनमेंट हुआ, ये दिन पे करेक्ट. यस सर. डाउन साइड पे हुआ था. यस सर. और क्लोजिंग का अपसाइड में हुआ 13 जुलाई को. आज ट्रेडेबल था, आज ट्रेडेबल था सर. तो क्या हुआ सर, पोजीशन का हाई और क्लोज दिया हुआ कैंडल का हाई से वो रिजेक्ट कर रहा था, तो इसके वजह से मैंने वो ब्रेकआउट करके उसको सेल ही किया था. सेल नहीं करना था. सेल नहीं करना था ना. सॉरी क्यों सेल नहीं कर सकते थे. I'm sorry. बताओ आपका हाई को क्या था. बाय और सेल. एक्चुअली बाय था, लेकिन वो पोजीशन कैंडल के हाई से और जो अलाइनमेंट कैंडल का क्लोज कर ऊपर क्लोज दिया हुआ 13 का कैंडल का हाई से रिजेक्ट हो रहा था, तो मुझे लगा ये ब्रेकआउट हो जाएगा, इसलिए वो फिर मैंने देखा कि वो क्लोजिंग के हुआ 13 डे का कैंडल है ना, उसके आईएमपी जो सपोर्ट होता है हाँ. उसको ब्रेक करके रिट्रेस करके वहां पे मैंने एंट्री सेल डाल दी, तो ब्रेकआउट होके करके. भाई इसमें कुछ नहीं हुआ है. देखो इसमें एक्चुअली अपसाइड बाय मतलब ये हुआ था ना, इसमें अपसाइड पोजीशन. इसमें सेलर्स आया था करेक्ट. हाँ सर, इधर सेलर्स आया था. एक्चुअली इसमें अगर सेलर्स है, इसको सेलर्स को बीट करके नीचे गिरना चाहिए था. मैं जो बताया कॉन्सेप्ट को. हाँ सर, बराबर. उसको शायद कल वही लेवल से ऊपर गया होगा, आज वही लेवल को सपोर्ट बनाया होगा. देखो अभी दिखाता हूँ. 12.7 राइट. यस. मैं सोचा कि भाई अच्छा गिरा है बोल के, मैं मोबाइल में देख रहा था, बड़ा बड़ा कैंडल्स बन रहा था ना उसमें 12.7. कब था अलाइनमेंट. ए दिन पे करेक्ट सेल हुआ था. भाई देखो क्या हुआ है, ए दिन पे सेलिंग आया था, अलाइनमेंट हुआ था करेक्ट. अलाइनमेंट 12 को अलाइनमेंट हुआ था. हाँ, मतलब इसके ऊपर ही है जो ट्रैप हो गए ना भाई, जो सेल किए थे. हाँ सर. ए बड़ा मूवमेंट आ गया. हाँ सर. ए भाई जो क्या मार किया समझ में आ रहा है ना. यस सर. सेलर जोन. सेलर लास्ट सेलर. उसी के ऊपर गए करेक्ट. हाँ सर. बाद में उसी के ऊपर है भाई, मतलब सेल जो सेलर किए थे उनको ट्रैप किए थे करेक्ट. मतलब ये हुआ था आज. ओके अगर आप स्ट्रक्चर पैटर्न एक्शन को यूज करो भी ट्रेड नहीं कर सकते हो इसको. मुझे बता ना व्हाट इज द ट्रेड दैट यू हैव टू डू. बाय ट्रेड राइट. हां बाय ट्रेड था, लेकिन बाय ट्रेड तो भाई बाय ट्रेड तो एक ही जगह हो सकता है इसको करने के लिए. एक तो इसके ऊपर है, तो ऊपर तो नहीं खुला है. यस सर. नहीं तो और कौन सा है उसका एमपी. लो 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 कल का या इंपोर्टेंट कैंडल. ये जगह था. हाँ तो ये ब्रेक किया, इसके लिए वजह से मैंने इसको ब्रेकआउट ट्रेड का समझ के उसको फिर सेल कर दिया था. लेकिन वो अपना कल के डे का जो फर्स्ट कैंडल है उस लो तक उधर तक आना चाहिए था, तो वो मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता था, लेकिन हुआ नहीं और ये स्टॉप कर दिया. हाँ, क्योंकि अब आपको समझ में आ चाहिए इस भाई. इसमें भी एक चीज है देखो. हाँ, क्या ये हायर आई बनाया करेक्ट. हाँ सर. ये हायर आई बनाया करेक्ट. हमें पता है कि भाई इसका इंपॉर्टेंट लेवल था, ये इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था. मुझे पता है करेक्ट. यस सर. नो. हां सर. अगर इसको गिरना है ना भाई, इसको तो बीट कर दिया इसको इसने. हां सर. अभी ये लेवल लो पे आना चाहिए करेक्ट. हां सर. ये लो से आने से पहले क्या होगा, इसका कल का जो भी इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला. इधर उधर तक भी उधर तक तो आना चाहिए, तो उधर तक भी आया ना. हां वो लेवल था. ओके. हां यही मेरा टारगेट था वो. हां एक्चुअली वो होना चाहिए था. फाइन नो प्रॉब्लम. एक्चुअली आपका एंट्री किधर था भाई. हाँ सर. इम्पोर्टेंट आईएमपी जो सपोर्ट है ना, वहां से फिर रजिस्टर नहीं करना है. नहीं करना है. हाँ सर. एक्चुअली इसमें देखो भाई, इसमें कल एंट्री में बताता हूँ मैं. क्या आज करे कल करे भाई इसको. कल करे कुछ प्रॉब्लम. देखो भाई याद रखना. देखो ये सारी चीजें मैं नोट्स बना के एक करता हूँ. आज कर सकता था मैं, कल करेंगे. अगर मान लो इसको इम्पोर्टेंट लेवल से सेल करना है. ओके. हाँ सर. इधर से.
ये वीक होना चाहिए। हाँ। समझ में आ रहा है ना? लेकिन एक रिकॉर्ड किया ना मैंने उसको सर। एक मिनट होल्ड ऑन, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। जब इधर खुलता है मैं ये लेवल को आराम से सेल करता हूँ तो ये लो टूटेगा, ये हाई को ब्रेक किया करेक्ट? हाँ सर। कल का हाई को जब स्ट्रॉन्ग ओपन होता है उसका काम तो हो गया, मेरा एंट्री इधर से बनना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। इधर से नहीं, फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट, इसमें खराब गेम खेल दिया, आज सब कुछ अच्छा था, मैं सोचा सड़क से ऊपर आ गया, मैं छोड़ दिया उसको, रिकॉर्ड भी कर रहा था डालने के लिए, मतलब क्या है उसमें 800 रुपीस प्रॉफिट, क्या है 800 रुपीस प्रॉफिट कर दिखा दो, मैं जो अगर इसको बुक कर देता मैं सोचा कि भाई इसको ब्रेक करेगा, इसने कल का हाई से एक कर दिया, भाई इसमें देखो क्या होगा, यू अंडरस्टैंड दिस, इसका कल लो एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल में इसने हाई लो बनाया था करेक्ट? हां सर। अब पहला एक कैंडल को इग्नोर करो, पहला कैंडल को इग्नोर करो तो सेकंड जो देखते हैं तो समझ में आएगा आपको इधर हाई बनाया था, शायद उसके वजह से मैं उधर ट्रेड लिया, नहीं तो नहीं लेता था मैंने ये वाला। यस सर। ओके यस भाई, इसमें देखो इसमें ए लेवल को शॉर्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि इसने हाई को ब्रेक नहीं किया है। ओके सर। हिंदुस्तान लीवर में इसने हाई को टच किया ना भाई, ऑलरेडी हायर हाई बन गया। अगर मुझे सेल करना है तो इधर से नहीं। ओके यू शुड मॉनिटर दिस। सी देखो मैं इसको डॉक्यूमेंट बना, मतलब मैं बोलता हूँ आप डॉक्यूमेंट बना लो, एंट्री में क्या नहीं होना चाहिए, yes, sir. क्या होना चाहिए वो सब कुछ हो जाएगा। ओके okay? ये सारा ऑब्जर्वेशन yes, है, नो प्रॉब्लम, इट विल हेल्प यू। बट हाई तो सही है ना भाई, मतलब देखो और क्या टाइटन में टारगेट नहीं हुआ, बात करेंगे अभी, कितना टाइम बचा है भाई, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझे बात करके उसको क्लारीफाई कर देना। यस सर। हां हम कल विल डू एंट्री मेथड ऑन दैट। हां नो प्रॉब्लम। व्हाट इज इट, इसमें क्या है? फ्लोर लो था सर, सेल देखो मैं को, देखो प्राइस को नहीं देख रहा हूं आप जो रे भाई, इसमें ट्रेड नहीं है ना भाई, देखो इसमें पोजीशन बना है, 7 जुलाई को पोजीशन हुआ था, 11 जुलाई को अलाइनमेंट हुआ था, 13 जुलाई को नीचे क्लोज दिया था। देखो अलाइनमेंट क्या होगा सर, देखना सुनो मेरा बात सुनना, जब अलाइनमेंट होगा ना, जब स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट कब स्ट्रॉन्ग होगा पता है? हाँ सर। ये इसके ऊपर या इसके नीचे होना चाहिए अलाइनमेंट? ओके सर। ओके वो तो रहे ऑब्जर्वेशन से आप उस पर एडवांस करना चाहिए भाई, सब कुछ मैं बोलू बैठ के ठीक। यस सर यस सर। जब इसके अंदर आपको पता है ना भाई पोजिशन तो इधर बना है, जब इसके नीचे गिरता है तो गिरता है करेक्ट? प्रीवियस डे से आप बोले ना अलाइनमेंट करना है तो प्रीवियस डे से करना है तो अलाइनमेंट फाइन सर, अलाइनमेंट तो मुझे बता दिया कि भाई उसमें क्या करना है। ओके ओके ओके। बड़ा मूवमेंट जो आता है ना, क्योंकि पोजीशन इधर बना है भाई, पोजीशन इधर बना है करेक्ट? ये अलाइनमेंट क्या स्टोरी है, क्या मैजिक है क्या? नहीं, अलाइनमेंट को मैं यूज कर रहा हूं लेकिन उसमें साइंस क्या है, लोग इधर बैठे हैं करेक्ट? हां सर। जब वो सेल करना है इसके स्टॉप लॉस हिट होने लगे मतलब बड़ा मूवमेंट आएगा, नहीं तो आपको पता है किधर भी सेल करेगा तो इधर तक आके रुक जाएगा। हां सर। आप जाके ढूंढना भाई अलाइनमेंट जो हाई या लो के नीचे होता है ना भाई, मतलब जो पोजीशन है उसके नीचे, उसमें बड़ा बड़ा मोमेंट आता है। ठीक है सर। सर ये जो अलाइनमेंट वाला जो कैंडल है, अलाइनमेंट बोल रहा हूँ, ये जो पोजीशन वाला ब्रेक लेंगे भाई, 1 मिनट बचा है, कंटिन्यू योर क्वेश्चन। कौन बात कर रहा है? हार्दिक बोल रहे। हार्दिक हाँ ओके, आपका क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे, ये समझ में आ रहा है ना भाई? एडवांस कर देना आपको, मैं सब कुछ बताऊं बैठ के। ओके सर। ये तो करना है ना? यस सर। एक्सपेंस हो जाएगा? नो प्रॉब्लम। यस विल कम इन 5 मिनट्स।